वागीश भाई क्यों हंसी आ रही थी आपको वारिस पठान की बातों पर, बता दीजिए। भाई इसलिए हंसी आ रही थी कि चारों तरफ मोदी मोदी और मोदीमय हो चुका है, इसके बावजूद इनको ये नजर आ रहा है कि उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मोदी जी नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, मुंबई में आज बारिश हुई है, अंधकार हुआ है, अब वो उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है, 17 तारीख को मोदी जी आएंगे। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मिलकर के जो आंधी तूफान उठेगा वोटों का, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को उनके टारगेट को पूरा करवाने में मदद करेगा। MIM कितनी भी ताकत लगा ले, जलील भाई कितनी भी ताकत लगा ले, इनकी पार्टी इनके लोग वो कुछ भी रास्ता रोक नहीं पाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का जो अश्वमेध यज्ञ है, जो उन्होंने टारगेट बनाया है, वो उसे अचीव करके ही रहेंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि इनके मन में कहीं ना कहीं क्लेश है कि मोदी जी कैसे जीत रहे हैं, और इसलिए उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, कभी हारने की बात कर रहे हैं। अभी इनको ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और जीतने के बाद रिटायरमेंट लेंगे, ये पता नहीं क्यों रिटायरमेंट की बातें हो रही है। मुझे नहीं लगता मोदी जी कोई रिटायरमेंट लेंगे, इस तरह का कोई नियम कानून ना उनके पार्टी के संविधान में है ना भारत के संविधान में है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। और बहुत बेहतरी से भारत का विकास करने की दिशा में अग्रसर होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से शुरू करिए और बताइए, महाराष्ट्र में 4 चरण आज पूरे हो जाएंगे, महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है 48 में से इस बार कितनी सीटें NDA की आ रही है? संख्या में नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें NDA की ही आएंगी, और जो सहानुभूति का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे आदरणीय उद्धव जी हों, चाहे माननीय शरद पवार जी हों, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। जो जीत मिलेगी वो भाजपा के कमल को मिलेगी, एकनाथ शिंदे के शिव धनुष को मिलेगी, और अजित पवार की घड़ी को मिलेगी। आप लिख लीजिए, देख लीजिए, एक आध सीट कहीं गलती से ये लोग जीत जाए वो अलग बात है, ज्यादा से ज्यादा सीटें NDA के पक्ष में आने वाली हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब से मोदी जी के साथ में समर्थन में आई है, तो जो 2-4 सीटें ऐसी लग रही थी कि शेकी शेकी सी के इधर उधर हो सकती हैं, अब उन सीटों का भी ये तय हो चुका है कि वो NDA ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, मुंबई की 6 की 6 सीटें NDA जीत रही है, ठाणे कल्याण पालघर की सभी सीटें जीत रही है, पुणे की सीटें जीत रही है, जितने भी चुनाव हो चुके हैं नागपुर से लेकर के मुंबई तक और उधर कोल्हापुर तक, कोई ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही है जहां ये गठबंधन के लोग जीतने की स्थिति में। हर जगह मुंह की खाने वाले हैं ये लोग, कितने भी इमोशनल कार्ड फेंक ले कोई कार्ड काम नहीं करेगा। ओके, तो ये 400 वाला जो टारगेट है या जो दावा है, ये हो जाएगा पूरा क्या 4 चरण के वोटिंग के बाद, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो ये न केन प्रकार होता ही है। और मोदी जी जितनी मशक्कत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी सभाएं कर रहे हैं, जहां जहां अब तक मोदी जी जाते रहे वहां तो जीत हासिल होती रही है। महाराष्ट्र में भी अधिक से अधिक सीटों पर एक एक दिन में उन्होंने 4-4 सभाएं करके ये साबित कर दिया है कि मोदी जी एक तूफान की तरह आते हैं और वोटों का गट्टर अपने साथ उड़ा के भाजपा के पक्ष में लेके चले जाते हैं, और ये हर जगह साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में तो लगातार दिखाई दे रहा है। ओके,